दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां पीली होके गिर रही हैं, पौधा कलियां नहीं बना रहा है, एक बार फ्लावरिंग करके अगर पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, या फिर कलियां बन रही हैं, पीली होके गिर रही हैं, फ्लावर्स के साइज बड़े साइज के नहीं हो रहे हैं, तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो ऑर्गेनिक चीज़ आप देख रहे हैं, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आने वाली है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो स्पेशली गुड़हल के पौधे से रिलेटेड है। गुड़हल के पौधे में अगर आपकी इस तरह की समस्या आ रही है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एकदम जो है दोस्तों रामवान काम करेगा। आपके पौधे में की सारी समस्या चुटकी में दूर हो जाएगी। बस इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लेके आएगा। मेरा जो पौधा है दोस्तों, इसमें हमने अपने पौधे में हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ, और इसके इस्तेमाल से ही मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है, लेकिन अभी बरसात में भी देख सकते हैं पौधे की जितनी अच्छी ग्रोथ है उतने ही ज़्यादा अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। सारा ही जो ब्रांचेस इस बरसात में हमारे पौधे में जितनी भी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस बन के आई है, सारे ही ब्रांचेस में बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्पर कलियां भी बन रही है। फ्लावर्स के साइज कुछ इस तरह के एकदम बड़े बड़े साइज के होके आ रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इस तरह की समस्या जिनके भी पौधे में आ रही है दोस्तों, वो अपने पौधे में कुछ तो मिस्टेक किए हैं, तभी आपका पौधा इस तरह का रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है और ज्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह पौधा बहुत ही अच्छी खासी सालों भर फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे देते हो, तो आपका जो पौधा है वो सालों ही भर आपका गार्डन में रौनक को बना के रखता है, और बहुत ही अच्छी खासी ये फ्लावरिंग भी आप सभी को देता है। तो थोड़ी बहुत अगर आप मिस्टेक किए हो, तो वो मिस्टेक भी जो है दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सुधार सकते हो। आपका जो पौधा है फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है। फर्टिलाइजर देना जो है दोस्तों, वो तो आपको जरूरी है ही, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि गुड़हल का जो पौधा होता है दोस्तों, उसको हमेशा वो अम्लीय मिट्टी ही पसंद होती है, एसिटिक मिट्टी ही पसंद होती है। अगर गुड़हल के पौधे की मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, तो पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियाँ पीली होकर गिरती हैं, और तो और पौधे में किसी भी तरह की कलियाँ नहीं बनती हैं। कलियाँ अगर बनती भी है तो वो बिना खिले ही गिर जाती हैं। इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो मैं आज वीडियो में आगे आप सभी को कुछ ऐसे चीज बताऊंगी जो आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और उनके सहायता से आपका जो पौधा है उसका मिट्टी जो है दोस्तों, वो फिर से एसिटिक हो जाएगा। अगर वो एल्कलाइन हो गया है तो फिर से एसेटिक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमने तो अपने पौधे में कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारा जो पौधा है वो उसकी मिट्टी जो है एल्कलाइन क्यों हो जा रही है। तो पौधे की हम लोग जो डेली डेली के तौर पे अपने पौधे में पानी देते हैं दोस्तों, टैप वाटर देते हैं, उस कारण से भी उस पानी में कुछ ऐसे कण जो है वो पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो गमला का मिट्टी होता है वो अम्लीय छोड़ के जो है दोस्तों वो क्षारीय हो जाता है। तो आपको यह नहीं जानना है कि हमने कोई ऐसा चीज़ दिया है तभी हमारा जो गमला का मिट्टी है वो एल्कलाइन हो गया है। आप पानी भी डेली के तौर पे देते हो, उससे भी जो गमले की मिट्टी होती है वो जो है दोस्तों एल्कलाइन हो जाती है। तो उसके लिए आपके घर में ही इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे चीज़ है जिनके इस्तेमाल से आपके जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से रिकवर हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से उसकी जो मिट्टी है वो फिर से एसेटिक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को देना है दोस्तों, तो सबसे पहले जो बहुत ही मामूली सा चीज़ है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, वो है आपके घर में इस्तेमाल होने वाले चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, और वो हमारे गमले की मिट्टी को एसेटिक बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो आप हाफ टेबल स्पून अपने पौधे में चाय की पत्ती का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें, या फिर अगर आप एक टेबल स्पून कर रहे हो तो आप महीने में एक बार करें, और अगर आप हाफ टेबल स्पून कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों वो 15 दिन में एक बार करें। और उसके जगह जो है दोस्तों, अगर आप अपने घर में कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो आप कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉफी पाउडर का भी प्रोसेस सेम वही रहेगा। अगर आप हाफ टेबल स्पून करते हो तो फिर आप जो है 15 दिन के अंतराल में करें, और अगर आप एक टेबल स्पून करते हो तो फिर आप जो है वो महीने में एक बार करें। और इसके जगह पे जो है दोस्तों, आप सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में सिरका अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो है हमारे किचन में इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा नींबू का होता है, तो नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उससे जो है दोस्तों और एक बेनिफिट होता है कि उसमें जो है
में फास्फोरस की मात्रा भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, तो हमारे जो पौधा होता है उसको फास्फोरस का मात्रा भी बहुत ही अच्छी मात्रा में नींबू का छिलका प्रदान कर देता है। तो नींबू के छिलके को भी आप भिगो के रख के और पानी में डाइल्यूट करके जो है दोस्तों वो 15 दिन के अंतराल में एक बार कर सकते हो, वो भी आपके गमले की मिट्टी को, आपके गमले की मिट्टी क्षारीय हो गई है तो उसको जो है दोस्तों फिर से एसिडिक बना देगी। उसके बाद जो है दोस्तों दूसरा जो है दोस्तों, आपके पौधे में इस तरह की समस्या क्यों देखने को मिलती है, पौधे में जब फास्फोरस की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तब जो है दोस्तों पौधा की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं या फिर कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो उसके लिए भी आपके घर में ही बहुत ही आसान से नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल से आपका पौधा इस तरह की अगर समस्या आ रही है तो उससे भी दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। इनके लिए आपको जिन चीजों का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ जो है हमने केले के छिलके को सुखा के और इसको भिगो के जो है दोस्तों हमने कम से कम 6 से 7 घंटा के लिए रख दिया हुआ था। तो देख सकते हैं ये अपने पूरे ही न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों पानी में छोड़ चुका है, पानी का कलर देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। तो आप केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए। केले का जो छिलका होता है ये पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये एकदम पौधे के लिए अमृत है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये फ्लावरिंग को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और अगर केले के छिलके आपके पास अभी अवेलेबल ना हो तो आप जो है दोस्तों यह प्याज का छिलका आपका किचन में अगर इस्तेमाल हो रहा हो, अगर आप प्याज खाते हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्याज के छिलके को भी हमने सेम प्रोसेस वही किया है, भिगो के जो है वो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये भी अपने न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छे से पानी में छोड़ चुका है, देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप, और ये जो मैंने पानी लिया है दोस्तों ये ज़्यादा नहीं, ये मैंने 200 से 300 ml पानी लिया हुआ होगा क्योंकि मैं अभी आप सभी को एक या दो गमले के मेजरमेंट से बता रही हूं, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बना के आप सभी को बताया है। इसका आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने सारे ही पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों ही फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले जो है दोस्तों आपको सबसे पहले पानी में डाइल्यूट कर लेना है। तो कितनी पानी में डाइल्यूट करना है मैं दोनों ही फर्टिलाइजर को एक साथ एक कंटेनर में डाइल्यूट करके आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ ये मैंने 200 से 300 ml ये मेरा होगा और ये भी जो है दोस्तों सेम उसी तरह से होगा। तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, 0.5 लीटर से ज़्यादा जो है वो पानी ले लिया हुआ है और इसमें जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से डाल देंगे। छिलके को आपको नहीं डालना है, आपको छिलके को फिर से आप इसको भिगो के रख सकते हो और फिर से जो है दोस्तों आप इसका फर्टिलाइजर बना सकते हो। इसका भी सेम मैं वही करूंगी बनाना फिल फर्टिलाइजर का, इसको भी मैं इस तरह से डाइल्यूट कर लूंगी लेकिन मैं इसको इसके छिलके को भी छान के और रख लूंगी। उसके बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है और इसको आप अब अपने पौधे में डायरेक्टली दे सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जिस भी पौधे में इसका इस्तेमाल करो उसकी गमले की मिट्टी पूरी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, उसके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों वो हल्की सूखी हुई होनी चाहिए, देख सकते हैं जिसके यहाँ पे लगातार से जो पानी आई हुई है। तो आप फिर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, अगर आपका गमला का मिट्टी पूरा चिपचिपा है तो आप बिल्कुल भी इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, आपके गमले की मिट्टी हल्की सूखी हुई है तभी आप इसका इस्तेमाल करें। और आधा आधा लीटर करके जो है दोस्तों हल्का हल्का ही आपको अपने पौधे में देना है क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, गमले की मिट्टी को सूखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बहुत जल्दी जो है गमला का मिट्टी वो सूख नहीं पाता है, इसलिए आप हल्का हल्का दें। और देख सकते हैं मेरे गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों वो कितना ही अच्छा है, पानी कितना जल्दी नीचे एकदम सोख लिया है। इस तरह से आपको ड्रेनेज पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। उसके बाद जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ और एक प्रोसेस। अब जो है दोस्तों मैंने आप सभी को यह चीज दिखाया हुआ था कि इस चीज के इस्तेमाल से आपका जो पौधा है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा, अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि ये जो चीज है दोस्तों ये क्या है। तो ये जो है दोस्तों ये है केले के छिलके का पाउडर बनाना फील फर्टिलाइजर। केले के छिलके को जो है दोस्तों हमने सुखा के और इस तरह से पाउडर के फॉर्म में बना के स्टोर करके रख लिया हुआ था, आप भी इस तरह से रख सकते हो। और लिक्विड फर्टिलाइजर देने से जो है दोस्तों बहुत ही बेहतर काम करता है अगर आप इस तरह से अपने पौधे को फर्टिलाइजर देते हो, उससे जो है दोस्तों अगर आप बना के दोगे तो वो आपके पौधे में थोड़ा धीमा काम करेगा लेकिन अगर आप इस तरह से देते हो तो वो आपके पौधे में बहुत ही जल्दी काम करेगा, बहुत ही तेजी से काम करेगा और तो और पौधा बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो इस तरह से आप 1 या 2 चम्मच जो है दोस्तों अपने पौधे में इस तरह से दे सकते हो और इस तरह से आप अपने बना के और 1-2 महीने तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह से मैं अपने पौधे को देती हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा चीज आपको इसमें देना है वो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो दूसरा चीज मैं इसमें दूंगी दोस्तों वो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लिया हुआ है 1/2 टेबल स्पून जो है ये है कॉफी पाउडर। ये कॉफी पाउडर और ये जो दोस्तों बनाना फिर फर्टिलाइजर दोनों ही चीजों का इस्तेमाल एक गमले में आप करें और 15 दिन में इस तरह से अपने पौधे में करें, आपके पौधे में एकदम बम्फर रिजल्ट आएगी। आप देखोगे कि पौधा, अगर कलियां पौधे की गिर रही हैं तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी, पत्तियां पीली हो रही है वो भी दूर हो जाएगी, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो बम्फर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा और तो और
किसी भी तरह की अगर पौधे में समस्या आई हुई है तो वो समस्या भी जो है दोस्तों वो दूर हो जाएगी। फ्लावर्स के साइज भी होंगे वो बहुत ही बड़े बड़े साइज के होंगे, और जिन लोगों के पौधे में इस तरह की समस्या आ रही है कि कलियां जो है वो पीली होकर गिर रही हैं, कलियां बिना खिले ही गिर जा रही हैं, तो वो किस कारण से होती है दोस्तों? अभी जो है बरसात में गमले की मिट्टी बहुत ही ज्यादा गीली रहती है, तो क्या होता है कलियों में जो है दोस्तों नीचे रूट्स के सहायता से जो है वो कलियों में कीड़े लग जाते हैं। तरह की समस्या अगर आ रही है दोस्तों तो उसके लिए भी ये जो है दोस्तों ये आपके घर में ही जो है दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऑर्गेनिक चीज ये क्या है दोस्तों? ये है लकड़ी की राख। लकड़ी को जो है दोस्तों आप जला के और रख सकते हो। आप अपने गार्डन के जो भी बड़े बड़े लकड़ी जो है बड़े बड़े ब्रांचेस आप ये करते हो जो है टूट जाती हैं, उनको आप क्या कर सकते हो सुखा के फिर आप उसको जला के और इसको भी आप स्टॉक करके रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये भी जो है दोस्तों इसमें फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसकी सहायता से पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह लग रही हैं तो वो भी दूर हो जाती है। तो इस पौधे में जो है हमने इस्तेमाल किया हुआ था चाय की पत्ती और तो कॉफी पाउडर और बनाना पील फर्टिलाइजर का, तो इसी में जो है दोस्तों एक चम्मच हम लोग इस तरह से डाल देंगे। और इसको भी आपको 15 दिन में एक बार डालना है अपने सारे ही गमले में। बरसात के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल जरूर करें और थोड़ी थोड़ी गमले की गुड़ाई भी जरूर से जरूर करते रहें। उससे क्या होती है गमले की मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाती है और पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह नहीं लग पाती है। तो इस तरह से सारे ही न्यूट्रिशन को आपको अपने पौधे में देना है दोस्तों। आपका पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी, एकदम पौधा बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है और करेगा। और अगर इस तरह की समस्या अगर आ रही है तो सारी समस्या है वो दूर भी हो जाएगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।